आज क्या करने जा रहे हैं दीदी? भैया हम आज ये बटरी बीज के उपचार कर रहे भैया। ये बटरी बीज के उपचार क्यों करते हैं दीदी? भैया यह बीमारी भी ज्यादा नहीं लगे और पौधा भी मजबूत रखे, स्वस्थ रखे और पैदावार भी अधिक होते। इसके लिए क्या क्या सामग्री कर सकते हो दीदी? भैया ये 5 किलो बटरी है 20 डिसमिल के लिए भैया। भैया ये बेस्टीन है, इसको हम 10 ग्राम मिलाते हैं भैया। ये है भैया राइजोबियम, इसको हम 20 ग्राम मिलाते हैं भैया। ये दस्ताना है भैया हाथ में पहनने के लिए, इसको अपने हाथ की सुरक्षा के लिए हम दस्ताना पहनते हैं। ये चम्मच है भैया दवा मिलाने के लिए। बटरी बीज उपचार में लगने वाली सामग्री 5 किलोग्राम बटरी बीज, बेवेस्टीन 10 ग्राम, राइजोबियम 20 ग्राम, एक दास्ताना 1 चम्मच। आपने तो सामग्री के बारे में बता दिया दीदी कि ये सब राइजोबियम चम्मच दास्ताना और बेवेस्टीन लगता है और बीज लगता है। इसको करके दिखाओ दीदी। हाँ भैया दिखाओ। दिखाइए जरा भैया। हाथ की सुरक्षा के लिए हम दस्ताना पहनथन ताकि हाथ में दवा ना लगे। भैया सबसे पहले हम बेस्टीन मिलाते हैं 10 ग्राम। ये चम्मच कितने ग्राम का है दीदी? 2.5 ग्राम का है भैया। अच्छा तो 10 ग्राम मिलाना होगा ना भैया, तो इसमें 4 चम्मच मिलाएंगे। ये कितना है भैया? 5 ग्राम ना। हाँ भैया 2 चम्मच है भैया। 3 अच्छा ये 10 ग्राम हो गया दीदी। ये दोस्ती ना भैया हमें अच्छा से बीज मिला वो। ये भैया राइजोबियम कल्चर है, एक हम 20 ग्राम मिला वो भैया। ये अभी हम अच्छा तरह से बीज मिला वो भैया, पूरी अच्छी तरीके से मिलना चाहिए है ना। बीज उपचार तो हो गए दीदी, अब इसको कितना घंटा बाद हम बुवाई कर सकते हैं? हाँ भैया बीज उपचार करने के बाद 1-2 घंटा के बाद हम बुवाई करवा देते हैं भैया। भैया दवाई हमला अच्छी तरह से मिलाना चाहिए और मिलाए के और हमारे हाथ जैसे हाथ को 2-3 बार साबुन या निरमा से धोना चाहिए। बीज उपचार करने से क्या क्या लाभ है दीदी? भैया हमें अच्छी फसल मिलती है भैया और कीट भी इसमें कम लगते हैं और अंकुरण भी अच्छा होता है। इससे होने वाले लाभ: उत्पादन का अधिक होना, उकठा रोग का ना लगना, फसल में कीड़ों का कम लगना, फसलों में बीमारियों का कम आना। आपने जिस तरीके से बट्टी उपचार की है दीदी, तो और किसान लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ भैया डिंडोरी जिला के मैं सभी किसान भाई लगता हूँ कि ऐसे बीज उपचार करके बोए और आमदनी अच्छा से लें। दीदी आपने बीज उपचार के बारे में इतना अच्छी जानकारी दिया दीदी और इतना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। राम राम।